कोलोनोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फाइबर ऑप्टिक कोलोनोस्कोपी की है, बहुत ही फ्लेक्सिबल कोलोनोस्कोप प्लास्टिक और कुछ चीज़ों से फाइबर से मिलकर बनाई हुई होती है। उसके ज़रिए से पखाने के रास्ते से हम पूरी बड़ी आँख का मुआयना करते हैं। बवासीर की बैंडिंग वगैरह भी इसके ज़रिए से कोलोनोस्कोपी के ज़रिए की कोलोनोस्कोपी बवासीर के मौके होते हैं वो खोल के ब्लीडिंग करवा रहे होते हैं और कब्ज़ करवा रहे होते हैं, तो उनकी भी बैंडिंग कोलोनोस्कोपी के ज़रिए से की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान मसूद है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ न्याजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स VIP ब्लॉक में और न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। एक प्रोसीजर हम यहाँ पे करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फाइबर ऑप्टिक कोलोनोस्कोप होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल कोलोनोस्कोप प्लास्टिक और कुछ चीज़ों से फाइबर से मिलकर बनाई हुई होती है। उसके ज़रिए से पखाने के रास्ते से हम पूरी बड़ी आँत का मुआयना करते हैं कि बड़ी आँत के जो जो मसाइल हैं वो उसके ज़रिए से देखे जा सकते हैं। इसकी कुछ खास इंडिकेशंस होती हैं जिस सूरत में कोलोनोस्कोपी रिकमेंड की जाती है और कोलोनोस्कोपी की जाती है। उसमें जो आम इंडिकेशंस हैं जो हर किसी को तकरीबन पता होनी चाहिए, उसमें पखाने में खून का आना या कई दफ़ा काले पखाने आना जिसमें गैस्ट्रोस्कोपी में कोई वजह ना मिले, तो उसमें कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा बहुत शदीद कब्ज़ होना जो कि दवाइयों से बेहतर ना हो रही हो, और कब्ज़ इतनी शदीद हो जाना कि आप तो में रुकावट होनी शुरू हो जाए, तो उस सूरत में भी इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा वज़न दिन ब दिन कम होता जा रहा हो और पखाने के मसाइल हों, भूख ना लग रही हो, पखाने के मसाइल हों, या फैमिली में मरीज़ की फैमिली में किसी को कोलन का ट्यूमर कैंसर की तशखीस हो चुकी हो, तो भी इसमें सारे फैमिली मेम्बर्स की स्क्रीनिंग बाद में की जाती है। इसके अलावा 45-50 साल की उम्र में तकरीबन हर किसी की कोलोनोस्कोपी रिकमेंड की जाती है कि वो एक दफ़ा कोलोनोस्कोपी करवा के तो बड़ी आँत के कैंसर से बचाव के लिए उसकी तशखीस करवा लें, क्योंकि कई ऐसी स्टेजेस कैंसर की होती हैं जो कि पहले से कोलोनोस्कोपी के ज़रिए डिटेक्ट की जा सकती हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के बाद अगर टाइमली उनका इलाज कर लिया जाए, वक्त पर उनका इलाज कर लिया जाए, जैसे पॉलिप हो सकता है कोई, उसे रिमूव कर दिया जाए, तो वो फ्यूचर में अगले 5-10 सालों में कैंसर बनने से बचाया जा सकता है। तो इस वजह से तकरीबन 50 साल की उम्र में सब एक की कोलोनोस्कोपी रिकमेंड की जाती है कि हर किसी की हो जाए एक दफ़ा, और अगर वो नॉर्मल हो तो फिर ठीक है, अगले 10-15 साल 20 साल ना हो, और लेकिन अगर उसमें कोई पॉलिप वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ मिले तो वो पॉलिप के साइज़ और उसके हिसाब से फ़ैसला किया जाता है कि इसकी अगली कोलोनोस्कोपी हमने 5 साल पर करनी है, 3 साल पर करनी है या हर साल करनी है। पॉलिप को रिमूव करके उसे टेस्ट किया जाता है, टेस्ट में जो निकले उसके मुताबिक अगला फ़ैसला किया जाता है कि क्या हो। इसके अलावा जो पखाने में खून आने की बाकी वजूहत हो सकती हैं, जैसे पखाने की नाली में ज़ख़म होना, उनका भी इसके ज़रिए से किया जा सकता है, और इवन के बवासीर की बैंडिंग वगैरह भी इसके ज़रिए से कोलोनोस्कोपी के ज़रिए की जो बवासीर के मौके होते हैं वो खोल के ब्लीडिंग करवा रहे होते हैं और कब्ज़ करवा रहे होते हैं, तो उनकी भी बैंडिंग कोलोनोस्कोपी के ज़रिए से की जा सकती है। एक बीमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो बड़ी आँत के ज़ख्मों वाली बीमारी होती है, उसमें बड़ी आँत में ज़ख्म बनते हैं और पखाने में खून आता है, और इसके अलावा पखाने में रेशा, लेस, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, उसकी तशखीस के लिए भी कोलोनोस्कोपी ज़रूरी होती है। तो जब भी पखाने में खून आ रहा हो या काले पखाने आ रहे हों या कब्ज़ बहुत शदीद रह रही हो, जो दवाइयों से ना ठीक हो रही हो, भूख ना लग रही हो, वज़न कम हो रहा हो दिन ब दिन, और या खून की कमी हो रही हो जिसकी वजह ना पता चल रही हो, या फैमिली में किसी को आंतों का कैंसर या रसौली हो, तो उस सूरत में कोलोनोस्कोपी लाजमी होनी चाहिए मरीज़ की, और कोलोनोस्कोपी की बुनियाद पे आगे तशखीस मज़ीद बेहतर हो जाएगी, तो उसकी बुनियाद पे आगे जो इलाज होगा उसका ज़्यादा मरीज़ को फ़ायदा होगा। थैंक यू।